बात है सन 1855 की, जब ओहायो की सड़कों में एक गरीब लड़का अपने हाथों में नोटबुक लिए जॉब की तलाश कर रहा था। उसने अपनी नोटबुक में अपने लाइफ गोल्स लिखे थे कि उसे $100,000 कमाने हैं और 100 साल तक जीना है। लेकिन किसे पता था कि इसी लड़के की नेटवर्थ आगे जाकर $1 बिलियन से भी ज्यादा होगी और ये US की GDP के 3% को ओन करेगा। ये कहानी है दुनिया के सबसे पहले बिलियनियर जॉन डेविसन रॉकफेलर की। जॉन डेविसन रॉकफेलर का जन्म न्यूयॉर्क के एक छोटे से गांव में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनकी माँ एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक बहुत ही रिलीजियस वुमेन थी, जिन्होंने जॉन को मोरल वैल्यूज सिखाई, और उनके पिता एक ट्रैवलिंग सेल्समैन या कहें कि एक कॉनमैन थे, जो अलग अलग शहर जाकर लोगों को कैंसर के फेक क्योर्स और फेक हर्बल मेडिसिन बेचा करते थे। लेकिन उनकी बुरी आदतों की वजह से वो ज्यादातर पैसे उड़ा दिया करते थे, उनके ऊपर बहुत कर्जा था और वो महीनों तक घर भी नहीं आया करते थे। इसके अलावा जॉन के 5 और भाई बहन भी थे और उनकी फैमिली का एक छोटा सा फार्म भी था जिसमें उनकी माँ काम किया करती थी। और उन्होंने जॉन को बिजनेस और लाइफ के बारे में 3 लाइफ लेसन्स दिए थे कि हमेशा एक एक पैसे का हिसाब रखना, चर्च और चैरिटी में पैसे डोनेट करना और भगवान पे विश्वास रखना, पर इंसानों की फितरत से भी वाकिफ रहना। और इन लाइफ लेसन्स ने जॉन की जिंदगी बदल दी थी। वो सिर्फ 6 साल की उम्र में अपनी माँ का घर के कामों में हाथ बटाने लगे थे और जो उन्हें पॉकेट मनी मिलती थी वो उसे खर्च करने की बजाय उससे कैंडीज खरीद कर दूसरे बच्चों को बेच दिया करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने नेबर्स को हाई इंटरेस्ट में लोन देना भी शुरू कर दिया। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जॉन डी रॉकफेलर के पिता पर एक वुमन का करने के एलिगेशंस लगते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं अपनी फैमिली पर $1,000,000 का कर्ज छोड़कर, जिसकी वजह से रॉकफेलर फैमिली को अपना घर और फार्म बेचना पड़ा और न्यूयॉर्क से ओहायो शिफ्ट करना पड़ा, जहां उनकी मां ने मेड से लेकर दूसरों के फार्म में तक काम किया और एक एक पैसा जुटाकर अपनी फैमिली को छत और खाना प्रोवाइड किया। और उन्होंने बहुत मेहनत से स्टूडेंट लोन लेकर अपने बच्चों की पढ़ाई भी पूरी करवाई। और जॉन ने भी हार नहीं मानी, उन्होंने अपनी पूरी मेहनत से पढ़ाई की और अपनी माँ की घर के कामों में भी मदद की, और वो अपने स्कूल में मैथमेटिक्स, डिबेट और अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल थे। और उनके टीचर्स उनके अंडर प्रेशर रहने के बाद भी बहुत ही काम रहने की एबिलिटी की तारीफ किया करते थे, जो आगे जाकर उन्हें बहुत काम आने वाली थी। इसके अलावा जॉन अकाउंटिंग में भी बहुत ज्यादा अच्छे थे और इसी दौरान उन्होंने काफी सारी बिजनेस बुक्स भी पढ़ ली थी। वो लोकल फार्मर्स की अकाउंटिंग में हेल्प करके और लकड़ियां काटकर थोड़े बहुत पैसे भी कमा लिया करते थे। और कुछ सालों बाद उन्होंने अपना स्कूल कंप्लीट करके अपनी फैमिली की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने का फैसला किया और जॉब की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने क्लीवलैंड ओहायो में कई सारी कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन 6 हफ्तों तक उन्हें कोई भी जॉब नहीं मिली। लेकिन फाइनली उन्हें हैबिट एंड टटल नाम के एक कमीशन फर्म में $3.50 पर डे पर एज एन बुक कीपर की नौकरी मिल गई। इतनी कम सैलरी होने के बाद भी उन्होंने दिन रात मेहनत की और अपनी कंपनी को बैंकरप्ट होने से भी बचाया। और इस कंपनी में काम करते हुए उन्होंने अकाउंटिंग, शिपिंग, प्राइस फ्लक्चुएशंस, नेगोशिएशंस और मार्केटिंग एनालिसिस जैसी कई सारी बिजनेस टैक्टिक्स को सीखा। जॉन डी रॉकफेलर ने इस कंपनी में 2 सालों तक काम किया, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि इस कंपनी के ओनर आइजक हैविट महीने के $1,00,000 कमाते हैं और उन्हें इतना ज्यादा काम करने के बाद भी सिर्फ $3.50 पर वीक की सैलरी मिलती है, तो उन्होंने आइजक हैविट के सामने एक प्रपोजल रखा कि वो उनकी सैलरी $3.50 से बढ़ाकर $20 पर वीक कर दें, नहीं तो वो काम छोड़ देंगे। पर आइजक हैविट ने उनकी बात नहीं मानी, इसीलिए जॉन डी रॉकफेलर ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स लगाकर अपने फेलो वर्कर मॉरिस क्लार्क के साथ मिलकर क्लार्क एंड रॉकफेलर नाम की प्रोड्यूस शिपिंग कंपनी की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने बार्ले, राइस और वीट जैसी फसलों को कम दाम पर खरीद कर अर्बन एरियाज में सेल करना शुरू किया। और सिविल वॉर के कारण इन फसलों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से क्लार्क एंड रॉकफेलर कंपनी बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल हो गई और जॉन डी रॉकफेलर ने अपना $1,00,000 कमाने का सपना भी पूरा कर लिया। इसी दौरान उन्हें अपनी ही तरह एक बहुत ही डीपली रिलीजियस वुमेन लॉरा स्पेलमैन से प्यार हो गया और उनसे शादी करने के बाद उन्होंने क्लीवलैंड ओहायो में एक मॉडेस्ट घर खरीद कर अपनी फैमिली की शुरुआत की।
थी। लेकिन जॉन डी रॉकफेलर यहीं नहीं रुकना चाहते थे, उन्हें कुछ और बड़ा करना था, जिसके लिए उन्हें एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी। यही वो समय था जब अमेरिका में एक ऐसी चीज की खोज हुई जो आगे जाकर ना सिर्फ जॉन की जिंदगी बल्कि पूरी दुनिया को बदल देने वाली थी, ऑयल वेल्स। दरअसल साल 1859, जिस साल जॉन ने अपनी कंपनी की शुरुआत की थी, उसी साल अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में ऑयल वेल की डिस्कवरी हुई, जिसके कुछ ही सालों बाद पूरे अमेरिका में तेल के कुएं मिलने लगे और लगभग हर कंपनी ऑयल वेल्स को खरीद कर उनसे ऑयल ड्रिल करके बेचने का बिजनेस कर रही थी। लेकिन जॉन डी रॉकफेलर के हिसाब से इस बिजनेस में बहुत ही ज्यादा रिस्क और कॉम्पिटिशन था। लेकिन इस समय ऑयल रिफाइनिंग का बिजनेस बहुत ही कम कंपनीज कर रही थी, यानी इस बिजनेस में रिस्क और कंपटीशन दोनों ही बहुत कम थे। और तभी जॉन डी रॉकफेलर की मुलाकात होती है सैमुअल एंड्रूज से, जो एक केमिस्ट थे और रिफाइनिंग का प्रोसेस बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे। उन्होंने सैमुअल एंड्रूज के साथ पार्टनरशिप करके क्लीवलैंड ओहायो में अपनी पहली रिफाइनरी सेटअप कर दी और क्रूड ऑयल खरीद के उसे रिफाइन करके केरोसिन बनाकर बेचने लगे, क्योंकि उस समय उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। देखो, उस समय लाइट बल्ब तो होते नहीं थे, इसलिए लोग लैंप्स का इस्तेमाल करते थे जिसमें केरोसिन फ्यूल के रूप में यूज होता था। लेकिन जॉन डी रॉकफेलर अपने प्रोडक्ट को बाकी कॉम्पिटिटर से अलग बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसे इन्वेस्ट किए और उनकी टीम ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद ऑयल को रिफाइन करने का एक बहुत ही टाइम एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका ढूंढ लिया था। इसके अलावा ऑयल को रिफाइन करने में जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता था उसे बाकी कंपनीज तो फेंक देती थी, पर जॉन डी रॉकफेलर की टीम ने इस वेस्ट से पेट्रोलियम जेली और कैंडल वैक्स बनाया, जिसे बेचकर उन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया। और इसके बाद जॉन डी रॉकफेलर ने दूसरे शहर में तक अपनी रिफाइनरी बनाई और अपने केरोसिन को यूरोप में तक एक्सपोर्ट करने लगे। लेकिन कुछ सालों बाद ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया और ऑयल के प्राइसेस भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होने लगे, और ये देखकर जॉन के पार्टनर मॉरिस क्लार्क ने कंपनी में अपने शेयर्स को भी जॉन डी रॉकफेलर को $72,000 में बेच दिया, जिसके बाद जॉन ने अपनी कंपनी का नाम बदल के स्टैंडर्ड ऑयल रख दिया। लेकिन उन्हें अभी भी कंपटीशन को बीट करने के लिए एक स्ट्रेटेजी की जरूरत थी। तभी उनकी मुलाकात हुई हेनरी फ्लेजर से, जो बिजनेस को एक वॉर की तरह देखते थे और अपनी रूथलेस बिजनेस स्ट्रेटेजी से अपने कॉम्पिटिटर्स को बर्बाद करने के लिए जाने जाते थे। और इन दोनों को ही पता था कि यदि हमें ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री में राज करना है तो हमें रेलवेज को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय ऑयल्स की जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन होती थी वो ट्रेन्स के थ्रू होती थी, और उस समय अमेरिका के रेल रोड्स में 3 कंपनीज का कंट्रोल था, जिसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल थी पेंसिल्वेनिया रेल रोड्स। लेकिन तभी एक न्यूज आती है कि पेंसिल्वेनिया रेल रोड्स ने क्लीवलैंड में अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से कई सारी कंपनीज ने अपनी क्लीवलैंड की ऑयल रिफाइनरीज को बंद कर दिया, जिसका नुकसान हुआ बाकी 2 रेल कंपनीज को, क्योंकि उनके ज्यादातर ऑपरेशन क्लीवलैंड में ही होते थे। और जॉन डी रॉकफेलर ने यहां एक मौका देखा और इन दोनों रेल कंपनीज को एक ऑफर दिया कि वो अपनी कंपनी की सभी ट्रांसपोर्टेशंस इन 2 रेल कंपनी से ही करवाएंगे, लेकिन बदले में उन्हें शिपिंग कॉस्ट को 75% तक कम करना पड़ेगा। पर उन 2 कंपनीज के पास इस डील को साइन करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने डील साइन कर ली। और इन सभी कारणों की वजह से जॉन डी रॉकफेलर का प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसीलिए अब वो अपने केरोसिन के प्राइसेस को बहुत कम करके भी प्रॉफिट में रह सकते थे, और उन्होंने ऐसा ही किया। वो धीरे धीरे करके अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को कम करने लगे, लेकिन बाकी कंपनीज इतना कम प्राइस करके प्रॉफिट में नहीं रह सकती थी, इसलिए कई सारी कंपनीज कंगाल हो गईं और जॉन डी रॉकफेलर ने इन कंपनीज को बहुत ही कम दाम में खरीद कर अपने साथ मिला लिया। पर कई सारी कंपनीज बैंकरप्ट हो गईं, जिनमें से एक के ओनर ने अपनी कंपनी के बैंकरप्ट होने की वजह से कर लिया, पर उसकी एक बेटी भी थी जो एक जर्नलिस्ट थी और वो आगे जाकर जॉन डी रॉकफेलर के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाली थी। खैर, जॉन की इन रूथलेस बिजनेस स्ट्रेटजीज की वजह से स्टैंडर्ड ऑयल की सक्सेस आसमान छूने लगी और वो देखते ही देखते यूएस की ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री के 90% को कंट्रोल करने लगे और जॉन डी रॉकफेलर ऑफिशियली दुनिया के सबसे पहले बिलियनियर भी बन गए। अब उनके पास इतना ज्यादा पैसा आ चुका था कि उन्हें पता नहीं था कि वो अपने पैसे को कहां इन्वेस्ट करें, इसीलिए उन्होंने एक प्रीस्ट को, जिससे वो बचपन में मिले थे, उन्हें एक अकाउंटेंट की तरह हायर कर लिया और उन्होंने जॉन डी रॉकफेलर की
की वेल्थ को कई सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया और कई गुना तक बढ़ा दिया। इसके अलावा जॉन हमेशा से अपनी कमाई का 10% चैरिटी में भी डोनेट किया करते थे। अब तक जॉन डी रॉकफेलर सफलता की एक बहुत ऊंची चोटी तक पहुंच चुके थे, लेकिन अब बारी थी गिरने की। ईडा टारवेल, जिनके पिता की कंपनी जॉन की वजह से बर्बाद हो गई थी और उन्होंने कर लिया था, वो आगे जाकर एक जर्नलिस्ट बनी और उन्होंने जॉन डी रॉकफेलर के ऊपर रिसर्च चालू कर दी। उन्होंने जॉन डी रॉकफेलर को एक्सपोज करते हुए एक के बाद एक 19 से भी ज्यादा आर्टिकल्स पब्लिश किए और लॉसूट्स भी फाइल किए कि कैसे जॉन ने अनलॉफुल बिजनेस स्ट्रेटजीज को यूज करके अपने कॉम्पिटिटर्स को अपनी कंपनी बेचने पर मजबूर किया, कैसे उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब देकर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हासिल किए और कैसे उन्होंने पूरी ऑयल इंडस्ट्री में मोनोपोली क्रिएट करके ऑयल के प्राइसेस को अपने हिसाब से कंट्रोल किया। और ये सब इंफॉर्मेशन पब्लिक में आने के बाद पूरा अमेरिका जॉन डी रॉकफेलर के खिलाफ हो चुका था। लोग उनकी मोनोपोली के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे और इलेक्शंस के दिन भी करीब थे। इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट ने अपनी कैंपेनिंग में जॉन डी रॉकफेलर के खिलाफ भाषण दिए और स्टैंडर्ड ऑयल की मोनोपोली को खत्म करने का लोगों से वादा किया, जिसकी वजह से लोगों ने उन्हें वोट दिया और वो दोबारा अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। जिसके कुछ समय बाद जॉन डी रॉकफेलर पर लगे सभी इल्जाम कोर्ट में साबित हो गए और कोर्ट ने उनकी कंपनी को 36 भागों में बांटने का ऑर्डर दिया, जिसने जॉन डी रॉकफेलर के बिजनेस करियर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और वो रिटायर होने में मजबूर हो गए। अब एक तरफ तो उनका बिजनेस करियर खत्म हो चुका था, लेकिन दूसरी तरफ उनकी नेटवर्थ घटने की बजाय उल्टा बढ़ रही थी उनके अकाउंटेंट फ्रेडरिक डी गेट्स की वजह से, क्योंकि उन्होंने जॉन डी रॉकफेलर की नेटवर्थ को अलग अलग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया था और उन्होंने स्टैंडर्ड ऑयल में जॉन के शेयर्स को इस तरह से मैनेज किया था कि जब स्टैंडर्ड ऑयल को 36 कंपनीज में बांटा गया, तब हर एक कंपनी में जॉन डी रॉकफेलर के शेयर्स थे और जैसे जैसे इन कंपनीज की ग्रोथ हुई, जॉन डी रॉकफेलर की नेटवर्थ भी स्काई रॉकेट हो गई और वो बिलियनियर से मल्टी बिलियनियर बन गए और 1916 में उनकी नेटवर्थ यूएस के जीडीपी के 3% के बराबर थी, जिसकी वैल्यू आज के समय में 400 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा होगी। और रिटायरमेंट के बाद जॉन डी रॉकफेलर ने अपना पूरा फोकस फिलांथ्रोफी में लगा दिया और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 550 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा पैसे डोनेट किए थे। इसके अलावा उन्होंने रॉकफेलर फाउंडेशन की शुरुआत की, जिससे उन्होंने मेडिसिन और एजुकेशन के सेक्टर में करोड़ों लोगों की मदद की। उनकी फैमिली आज भी इस फाउंडेशन को चलाती है, जिन्होंने आज तक 11 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा पैसे डोनेट किए हैं। खैर, 1937 में एक बहुत ही इवेंटफुल और दुनिया को चेंज कर देने वाली जिंदगी जीने के बाद जॉन डी रॉकफेलर ने 97 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांसें ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी कायम है और आज लोगों के मन में उनके कैरेक्टर्स को लेकर अलग अलग ओपिनियंस हैं। किसी के हिसाब से वो बहुत ही अनलॉफुल और करप्ट थे और किसी के हिसाब से वो बहुत ही जनरस फिलांथ्रोपिस्ट और एक बहुत ही एम्बिशियस बिजनेसमैन थे। लेकिन इस बात को भी ठुकराया नहीं जा सकता कि जॉन डी रॉकफेलर दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट और पावरफुल बिजनेसमैन थे, जिसने अपनी एक गरीब लड़के से दुनिया के सबसे पहले बिलियनियर बनने की स्टोरी से लाखों लोगों को इंस्पायर किया है। खैर, आज के इस वीडियो में इतना ही, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको ये वाला वीडियो भी जरूर पसंद आएगा, जिसमें मैंने रोलेक्स के फाउंडर हांस विल्सडॉर्फ की एक अनाथ लड़के से दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस वॉच कंपनी को बनाने के सफर को एक्सप्लेन किया है, तो इसे भी चेकआउट जरूर करें। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।